तो कल आपका भाई राम बन रहा है अपने अयोध्या में, और एक सिनेमा कर रहा हूँ राजा राम, उसमें उसका सीन भी है, आप सबको देखने को भी मिले। जिसकी प्रचंडता बड़े बड़े पर्वत को ढेर बना दे, जो इस जग की हर जोत को बुझा देगा और देवों को बता देगा कि राक्षस क्या होता है। दोस्तों संघर्ष 2 की अपार सफलता के बाद एक बार फिर से खेसारी लाल यादव नए प्रोजेक्ट में लग चुके हैं, और ये प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें खेसारी लाल यादव एकदम नया लुक में नजर आएंगे, यानी श्री राम के अवतार में नजर आने वाले, श्री राम के लुक में नजर आने वाले हैं कुछ इस तरीके से। पिछले दिनों बहुत सारी फोटोज भी आप लोगों बीच में वायरल हुई होंगी, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का नाम होने वाला है राजा राम, और वहीं पर अगर इस फिल्म के डिटेल्स यानी स्टार कास्ट की बात करें तो श्री राम के लुक में नजर आएंगे लाल यादव, वहीं पे लक्ष्मण के तौर पे राहुल शर्मा, और सीता के तौर पे नजर आने वाली है सिनिका गावदा, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पराग पाटिल। पराग पाटिल इसके पहले भी भोजपुरी में बहुत सारी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि अभी फिलहाल सिनेमा घरों में चल रही फिल्म संघर्ष 2, इसके पहले संघर्ष 1, फसल और परिश्ता जैसी फिल्म ये डायरेक्ट कर चुके हैं, तो होप लगा ही सकते हैं आप लोग की फिल्म कितनी बेहतरीन होगी। और इस फिल्म की शुरुआत यानी मुहूर्त इस फिल्म का दशहरा के दिन ही किया गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि जिस राम ने हमें जन्म दिया, कभी उनके रोल में हमें खड़ा होना पड़ेगा, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा। और श्री राम के अवतार में नजर आ रहे खेसारी लाल यादव रावण का वध करते हुए इस फिल्म की शुरुआत करते हैं, और इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल जोरों शोरों से अयोध्या में शुरू कर दी गई है। तो आप लोगों को ये खेसारी लाल यादव का नया लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर बताएं, और खेसारी लाल यादव श्री राम के इस अवतार में यानी इस वेशभूषा में सही दिख रहे हैं या नहीं, आपकी क्या कुछ राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताएं। और ऐसी अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।